भाई पिछले 7 सालों बाद ये ट्रेन अपनी चली है झंझारपुर जंक्शन से लोकहा बाजार। भाई ट्रेन के आगे देखो पूरी जनता आ गई, मतलब कि भाई ट्रेन को ही रोक दिया गया। देखो यार खूबसूरती देखिए भाई इस ट्रेन की, क्या बढ़िया है ना भाई। ये जी यहाँ से हम लोग को हरी झंडी दिखाई गई है ₹50-60 और अब तो ₹10 में 10 KG। ये देखो मैट उट सारी चीजें लगाई हैं। कैसे आप लोग मित्र थे, आप लोग काफी अच्छे में, बस स्वागत हमारे कौन है आप लोग में। अभी फिलहाल मैं बिहार के झंझारपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन में, और बता दो आज भाई झंझारपुर वासियों ने काफी बड़ा दिन है, क्योंकि आप पीछे जो ट्रेन देख रहे हैं ना, ये भाई पिछले 7 सालों बाद ये ट्रेन अपनी चली है झंझारपुर जंक्शन से लोकहा बाजार तक, और आज इस ट्रेन का उद्घाटन किया जाएगा 13 नवम्बर 2024 को अपने देश के प्रधानमंत्री पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा झंझारपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और भाई बहुत ही लोगों का सपना था भाई इस रूट पे ट्रेन चले, तो भाई फाइनली आज ट्रेन चल चुकी है। और फाइनली देखिए आपके पीछे ट्रेन लगी भी हुई है भाई, बहुत सारे कार्यक्रम किए गए अपने झंझारपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, तो चलिए आपको दिखाते हैं। बाकी दोस्तों देख लीजिए यहाँ पूरा पोस्टर बैनर लगाया गया है विकसित बिहार के लिए नए रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये देख लीजिए भाई 13 नवंबर 2024 को हमारा उद्घाटन हो रहा है। बाकी यहाँ पे स्टेज बनाया गया है जहाँ पे भाई प्रोग्राम चल रहा है अपना, यहाँ के जो सांसद है ना वो आए हुए हैं, और भाई पूरी भीड़ लगी हुई है इस नई नवेली ट्रेन को देखने के लिए। बाकी दोस्तों अभी फिलहाल हमारी ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे सेंड किया जा रहा है, यानी कि प्लेटफॉर्म पे लगाया जा रहा है, तो पहले आप वो देखिए। तो जी फाइनली आ चुकी अपनी इनॉग्रल स्पेशल झंझारपुर लोकहा बाजार ट्रेन, अभी भाई प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे इसको संट किया जा रहा है। और खूबसूरती देखिए भाई इस ट्रेन की, क्या बढ़िया है ना भाई, खूबसूरत सजाया गया है, एक नंबर भाई एक नंबर। सिलीगुड़ी का भाई WDP 4D लोकोमोटिव है अपना, और जी वहाँ सामने में हमारा स्टेज बनाया गया है और वहीं हमारी ट्रेन जा रही है अभी लगने के लिए। और भाई डेकोरेशन देखिए भाई, क्या गजब का कमाल का डेकोरेशन किया गया, केले के पत्ते गेंदे के फूल सारे चीज लगाए गई हैं भाई, और कोच के ऊपर भी भाई तगड़ी डेकोरेशन की गई है, ये देखिए वाह भाई वाह, वन ऑफ द बेस्ट डेकोरेशन लगा यार मेरे को। और बाकी बता रहे तो यहाँ से आज इसका डिपार्चर टाइम है सुबह के 11:15 पे, यानी कि इस ट्रेन का आज उद्घाटन किया जाएगा अपने झंझारपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और बाकी ट्रेन देखिए भाई एक बार, भाई कितनी खूबसूरत ट्रेन को सजाया गया है देख रहे हैं। बाकी इसका ट्रेन नंबर आज है 05205, यानी कि उद्घाटन स्पेशल आज इसका ट्रेन नंबर है 05205। बाकी देखिए भाई बैलून है, पत्ते हैं, ये भाई आर्टिफिशियल फूल है, ये भाई ओरिजिनल गेंदे के फूल हैं, भाई सारी डेकोरेशन की गई है, एक भी कसर छोड़ा नहीं गया है इस ट्रेन को चलाने के लिए। देखिए भाई गाड़ी संख्या 05205 उद्घाटन स्पेशल झंझारपुर जंक्शन लोकहा बाजार। बाकी देखिए भाई पीछे सारे कोचों पे भाई ऐसे ही डेकोरेशन की गई है। और बाकी जी आगे आप भीड़ देखिए एक बार कि भाई कितना लोगों में क्रेज है इस ट्रेन के लिए और कितनी डिमांड थी। देखिए यहाँ पे अपने TT सर लोग खड़े हैं और यहाँ पे भाई पूरी पब्लिक ही पब्लिक है, और यहाँ पे LED स्क्रीन अपना चल रहा है, और सामने भी आप देख सकते हैं वहाँ पे अपना LED स्क्रीन चल रहा है, और भाई अपना प्यारा सा लोकोमोटिव खड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। बाकी भाई 5-10 मिनट बाद हमारी ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी झंझारपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। यहाँ देखिए भाई डिस्प्ले पे ये वाला जो भाई लाइव है ना, ये दरभंगा बिहार से हो रहा है, और ये वाला लाइव जो हमारी ट्रेन का है ना लोकोमोटिव, ये यहाँ से हो रहा है। दोस्तों बता दें तो ये ट्रेन ना पैसेंजर कैटेगरी की ट्रेन है, इसमें टोटल 5 कोच लगाए गए हैं, यानी कि 4 सामान्य डिब्बे यानी कि जनरल, और एक अपना गार्ड वैन लगाया गया है जिसमें SLRD सारी चीजें लगती हैं, यानी कि कुल मिला के टोटल बस 5 कोच की ये ट्रेन है। और भाई देख लीजिए यहाँ पे साफ सफाई पूरी बढ़िया से की जा रही है अपनी, आज पहली बार नई नवेली ट्रेन की अपने OBHS भाई, और भाई दिल से थैंक यू भाई एक बार। भाई अभी ट्रेन खुली भी नहीं और भाई पूरी साफ सफाई पे ध्यान दी जा रही है। भाई देखिए फाइनली निकल रही है हमारी ट्रेन, वाह भाई, और लोगों में भीड़ देखिए, क्रेज देखिए भाई, पूरी सिक्योरिटी टाइट है वो तरीके, भाई लोगों की भीड़ देखिए भाई गजब। और देखिए जी यहाँ से हम लोग को हरी झंडी दिखाई गई है, फाइनली निकल चुकी है हमारी ट्रेन झंझारपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से।
डिपार्चर हो रही है हमारी ट्रेन का झंझारपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से भाई पहली बार। वाह भाई वाह। और भाई क्या फूलों से पूरी सजाया गया, भैया सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। कैसा लग रहा है भैया नई ट्रेन? लोखा बाजार तक, लोखा बाजार तक, झंझारपुर से लोखा बाजार। तो भाई होता था तो भाई डिपार्चर के बाद फिर से हमारी ट्रेन को रोका गया है क्योंकि अपने जो सांसद है ना वो अभी अपनी ट्रेन में बोर्ड करने वाले हैं इस चक्कर में। देखिए भाई भीड़ देख रहे हैं ना। तो चलिए जो फाइनली एक बार फिर से हमारी चल चुकी है ट्रेन अपने ट्रेन मैनेजर। तो चलिए जी फाइनली फिर से चल चुकी है हमारी ट्रेन अपने लोको पायलट सर ग्रीन फ्लैग दिखा चुके हैं। तो जी निकल चुकी है झंझारपुर जंक्शन से हमारी ट्रेन। अपने सांसद महोदय जो थे ना वो अपनी ट्रेन में अब बोर्ड कर चुके हैं, वो भी अब जाएंगे पूरा लोकहा बाजार रेलवे स्टेशन तक। बाबा झंझारपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन फाइनली भाई झंझारपुर से निकलती हुई हमारी ट्रेन। वाह भाई वाह, अल्टीमेट क्रेज है भाई। यहाँ देखो भाई पटरियों के पास लोग भाई बाय बाय कर रहे हैं, बाय 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 बाय, जय हो जय हो। देखा ना आपने भाई क्या क्रेज है अपनी इस ट्रेन की भाई, पूरे के पूरे 7 साल बाद इस ट्रेन को खोला गया है तो भाई सभी लोग खुश हैं इस ट्रेन से क्योंकि भाई अब जाने में लोकहा बाजार ना काफी आसानी हो जाएगी। इस चक्कर में भाई पूरे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं इस ट्रेन से और हम भी भाई बहुत ज्यादा खुश हैं। स्पेशली भाई आप लोग के लिए भाई कवर करने आए हैं इस ट्रेन की जर्नी। और फाइनली निकल चुकी है अब हमारी ट्रेन झंझारपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। बाकी अभी बहुत चीजें आपको दिखानी है इस ब्लॉग में तो आप लोग भाई पूरा एंड तक बने रहिएगा। बाकी जी ट्रेन को देखिए आप भाई कितनी सुंदर हमारी ट्रेन लग रही भाई, पूरा एकदम फूलों से पत्तों से एकदम पूरी हमारी लदी हुई है ट्रेन भाई। एक भी जगह है ऐसा नहीं है जो खाली छूटा हो। वाह भाई वाह, गजब की डेकोरेशन की गई है। और बाकी दोस्तों अगर वॉशरूम की बात करें तो भाई बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। मिरर आप देख रहे हैं ना बिल्कुल चमचमा रहा है। बाकी बेसिन भी देख लो भाई चमचमा रहा है। इधर देखो मैट और सारी चीजें लगाई गई भाई, ये जनरल क्लास का कोच है और अंदर भी भाई पूरा मैट लगाया गया। और दोस्तों देखिए यहाँ से हमारा जो लाइन है ना वो कट चुका है अब लोकहा बाजार की तरफ और भाई पूरी फुल स्पीड हमारी ट्रेन चल रही है। और वहाँ भाई सामने में जो दूसरी लाइन कटी है ना वहाँ सामने में अगर आपको पोल दिख रहा होगा वो एचसी वाला ये ऊपर खाली है। देखो भाई भैया एकदम गेट पे खड़े होकर फुल एंजॉयमेंट कर रहे हैं, मजा आ रहा है ना भैया? बहुत मजा आ रहा है। पहले कैसे लोग जाते थे लोका बाजार? बहुत दिक्कत, बस बस बहुत दिक्कत होता था। कितना लग जाता था बस से जाने में अप्रोक्स पैसा? पैसा 50-60 रुपए। और अब तो 10 रुपए में पहुंच जाएंगे। वाह भाई देखे ना भाई ये फायदा हुआ है अपनी इस ट्रेन को खुलने से। भाई फाइनली हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने पहले स्टॉपेज पे झंझारपुर बाजार हॉल्ट। और भाई चढ़ने वालों की भीड़ देखो, भैया उतरने दीजिए थोड़ा साइड साइड भाई देखो पहले हॉल्ट पे चढ़ने वाले यात्रियों की भीड़। ओ भाई नीचे उतर नहीं पा रहे हम लोग, इतनी भीड़ है। चलो भाई चलो 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 भाई पहली हॉल्ट पहुंची हमारी ट्रेन झंझारपुर बाजार हॉल्ट। भाई यहाँ गजब के भाई लोग आए, पूरी भीड़ आई है इस ट्रेन को भाई देखने के लिए भाई। और सभी लोग भाई वीडियो कैमरे में अपनी अपनी कैद कर रहे हैं इस ट्रेन को। और देखिए और भाई पीछे देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है। पीछे अपने सांसद महोदय जी हैं, आइए आपको दिखाते हैं भाई पीछे अपने सांसद महोदय जी। भाई सभी लोग शुक्र अदा कर रहे हैं। देखो फाइनली भाई सिग्नल हो चुका है अपना, चलते हैं भाई अपने कोच में क्योंकि भाई झंझारपुर बाजार हॉल्ट है बिल्कुल बिल्कुल 1 मिनट का जो गाड़ी का यहाँ पे स्टॉपेज दिया गया था। बाय बाय। बाकी फाइनली निकल चुकी है हमारी ट्रेन अपने पहले हॉल्ट से। ओ भाई क्या भीड़ है यार। बाय बाय करो, बाय 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 बाय।
झंझारपुर हॉल से डिपार्चर हो रहा है, झंझारपुर बाजार हॉल। ये पावर बैंक लगाया था चार्ज में। अब भाई देखो इतने सारे लोग बोर्ड कर लिए हैं हमारी ट्रेन में, झंझारपुर बाजार हॉल से स्कूल के बच्चे हैं। देख रहे हो खुशी लोगों की, मजा आ रहा है एकदम भाई। देख रहे हो पूरे भाई, छोटे छोटे बच्चे भाई आ चुके हैं, ये देखो वाह भाई वाह, सब इंजॉय कर रहे हैं एकदम जबरदस्त। भाई साहब क्या ही क्रेज है यार इस ट्रेन की, मतलब देख रहे हो ना भाई बच्चे कितने जा रहे हैं भाई, पूरे तरीके से भाई चिल्ला रहे जैसे लग रहा है भाई क्या ही हो गया भाई साहब, मतलब अल्टीमेट मजा आ रहा है यार भाई। फुल अपनी ट्रेन भाग रही पूरी हॉन्किंग के साथ अपना डीजल लोकोमोटिव WTP 4D। बाबा का स्वैग देखो, ये देखो इधर देखो भाई, बोलो राइस के दूसरे ऑफिशियल हॉल रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन आ गई भाई। महरैल पे भी आम लोगों का जो लोकल लोग उनका क्राउड चेक करो भाई, सब लोग उत्साहित है बिल्कुल, न्यूज चैनल वाले भी आए हैं, बाकी लोग भी आए हैं, क्राउड चेक करो यार एक बार अपने महरैल रेलवे स्टेशन भाई, पूरी प्लेटफॉर्म पैक है यार। ओ भाई माला लेकर यहाँ पे स्वागत करने, हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने सेकंड ऑफिशियल हॉल्ट महरैल जंक्शन रेलवे स्टेशन। भाई साहब अराइवल के टाइम देखे ना लोगों भाई क्या ही उत्साह है इस ट्रेन को लेकर, पूरी भाई भीड़ भड़कता सारी चीजें हो रही है और आगे लोको पायलट का भी भाई स्वागत किया जा रहा है। आपको दिखाते हैं देखिए पूरा भाई लोको पायलट को फूल मालों के साथ स्वागत किया जा रहा है अपने महरैल रेलवे स्टेशन पे। भाई पुल पे देखो, पुल पे भी भाई अलग ही क्रेज है, ये देखो भाई पूरे अच्छे से स्वागत किया जा रहा है, गमछा माला और स्पेशली भाई टोपी दिया जा रहा है, देखिए वाह भाई वाह, प्रॉपर स्वागत किया हो रहा है भाई यहाँ पे। और देखिए इतने भाई फूल माले और गमछे सारे चीजें आई हैं, और भाई हल्दी टीके उके भी लगाए जा रहे हैं अपने सभी लोगों पायलट सर लोगों को। हो चुका है अपने जितने भी क्रू मेंबर थे लोगो पायलट के भाई सबको माला पहना के स्वागत किया गया है, और अब यहाँ से डिपार्चर का टाइम हमारा हो चुका है महरौल रेलवे स्टेशन से। देखिए भाई नेक्स्ट लेवल का क्रेज है यार इस ट्रेन के लिए, मजा आ गया सच में भाई, पूरा प्लेटफॉर्म पैक है आप लोग एक बार चेक करिए, भाई चारों तरफ हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। फाइनली जी निकल चुकी है हमारी ट्रेन महरौल रेलवे स्टेशन से, और भाई साहब रेलवे स्टेशन में भीड़ देखिए यार कितनी रेलवे स्टेशन में भीड़ है भाई साहब, नीचे फुट ओवर ब्रिज पे ऊपर, मतलब चारों तरफ आपको पैसेंजर ही पैसेंजर नजर आएंगे। और जी गाड़ी जो है ना वो पूरी पैक हो चुकी है, देखो भाई आगे गेट पे भाई लोग लटक रहे हैं, पूरी पैक ट्रेन चल रही है। बाकी दोस्तों अगर इस ट्रेन की अगर हम टाइमिंग की बात करें तो ट्रेन कल से यानी कि 14 नवंबर से कमर्शियल चलेगी, यानी कि आम जनता के लिए डेली ये ट्रेन दिन में दो फेरे लगाएगी, यानी कि दो फेरे एक बार झंझारपुर और एक बार आई थिंक दोपहर में लगेगा, और ऐसे ही दो बार उधर से भी लगेगा, ऐसे करके इसका टाइमिंग बनाया गया है। बाय 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 बाय। ट्रेन में इतने जा
ज्यादा लोग चढ़ गए ना भाई, पूरा सोरी सोर हो रहा है, मतलब क्या ही बताया जाए भाई, पूरी ट्रेन पैक हो चुकी है भाई, चारों तरफ बस हल्ला ही हल्ला हो रहा है, उसके अलावा भाई इस ट्रेन में कुछ नहीं हो रहा है अभी तक। तो भाई फाइनली हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉल्ट, और वहां देखो भाई लोग दूर दूर से दौड़ दौड़ के भाई आ रहे हैं इस ट्रेन को देखने के लिए, उस तरीके क्या क्रेज है भाई, ये देखो लोग भाई दौड़ दौड़ के आ रहे हैं यार। और बाकी भाई देखो उतरने वाले लोगों की भीड़ देखो, अपने सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल हॉल्ट, वे जल्दी जल्दी उतरो भाई, उतरो 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 भाई उतरो यार थोड़ा। दोपहर के लगभग 1:30 बजे अभी हमारी ट्रेन पहुंची सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉल्ट, और भाई काफी ये छोटा सा रेलवे स्टेशन है, और भाई हर जगह हर रेलवे स्टेशन का भाई एक ही क्रेज है भाई, लोग बहुत ही ज्यादा संख्या में भाई आ रहे हैं और अपने इस ट्रेन को देख रहे हैं भाई, मतलब कि नेक्स्ट लेवल की क्राउड है यार, और इतना भाई शोर हो रहा है ना कि ज्यादा आपको हम ब्लॉग में दिखा भी नहीं रहे हैं भाई, इतना शोर बस शोर ही शोर हो रहा है। बाकी देखो यहाँ भीड़ देखो आप भाई, इससे अंदाजा लगा सकते हो कितनी डिमांड है यार इस ट्रेन की। यहाँ देखो भाई बच्चे बूढ़े महिलाएं सभी लोग आए भाई इस ट्रेन को देखने के लिए, ओ तेरी के भाई क्या क्राउड है यार। बाकी दोस्तों भीड़ भाड़ तो चलती रहेगी, बाकी आपको चलो इस ट्रेन का हम कोच वोच और वॉशरूम कैसा ना वो दिखा देते भाई, क्योंकि वो देखने लायक बहुत ही गजब का बनाया गया इस ट्रेन का। भाई कोच का तो कुछ ऐसा हाल है, मतलब नॉर्मल जनरल वाली ही ट्रेन है, जैसा भाई रहता है इधर सोने का रहता है इधर बैठने का, और इधर सिंगल सिंगल सीटें रहती हैं और इधर अपना लगेज स्पेस रहता है। बाकी भाई वॉशरूम में चलते हैं ना, तो वॉशरूम आपको दिखा दें भाई गजब का है, आपको विश्वास नहीं होगा भाई ये जनरल का वॉशरूम है या फिर ये फर्स्ट एसी का है। यहाँ देखो भाई पूरा मैट उट सारी चीजें लगाई गई, यहाँ का देखो भाई विनाइल कोटिंग किया गया ना, तो कितना डिजाइन अच्छा लग रहा है भाई। अंदर आपको दिखाते हैं, ये देखिए भाई मिरर भाई ठीक ठाक क्लीन है, ज्यादा मतलब कि साफ भी नहीं है ज्यादा गंदा भी नहीं है। बाकी यहाँ बेसिन भाई नीट एंड क्लीन है, और बाकी भाई पानी होनी सारी चीजें आ रही हैं, यहाँ भी भाई कुछ दिया गया है, बाकी पीछे हैंगर दिया गया है, और इसकी भी भाई अंदर की पेंटिंग देखिए भाई बिल्कुल एकदम जैसा फर्स्ट एसी का वॉशरूम जैसा भाई अपना ये पैसेंजर ट्रेन का लग रहा है। बाकी सारा कुछ ओके है, और नीचे भाई मैट लगाया गया है और नीचे भी डस्टबिन दिया गया, तो ये चीजें भाई काफी अच्छी हैं, मतलब कि साफ सफाई मेंटेन की गई है इस ट्रेन में भी भाई। वॉशरूम के बाहर यहाँ पे इमरजेंसी के लिए फायर एक्सटिंग्यूशर भी दिया गया है। और फाइनली हमारी ट्रेन सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉल्ट से निकल भी चुकी है, देखिए बाकी दोस्तों अगर अपने इस झंझारपुर लोकहा बाजार पैसेंजर ट्रेन की स्टॉपेज की बात की जाए ना, तो इसके टोटल 7 स्टॉपेज हैं। पहला अपना झंझारपुर बाजार हॉल्ट है, दूसरा मेहरौल है, फिर उसके बाद तीसरा चंद्रशेखर स्थान है, फिर चौथा वनस्पति नगर है, फिर पांचवा बरहरा है, फिर भाई छठा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉल्ट है, फिर सातवां आपका खुकावना भाई, ऐसे कर करके इस टोटल स्टेशन के 7 हॉल्ट दिए गए हैं। भाई ट्रेन के आगे देखो पूरी जनता आ गई, मतलब कि भाई ट्रेन को ही रोक दिया गया, देखो ये अपना लोकोमोटिव खड़ा हुआ है यहाँ पे, और भाई जस्ट आगे पटरी पे देख रहे हो ना पूरा भाई जाम लगा हुआ है, इस चक्कर हमारी ट्रेन रुक चुकी है पूरी। जिंदगी में बहुत इनॉग्रल किए हैं, बहुत उद्घाटन जर्नी किए हैं, लेकिन भाई ऐसा कभी नहीं किए भाई, कैसे कैसे घर से हम आए थे, चार चार गाड़ियां ट्रेन मतलब बदल के आए थे कि बढ़िया इनॉग्रल होगा मजा आएगा, पहली ट्रेन है 7 साल बाद, लेकिन यहाँ आने के बाद भाई पता चल रहा है कि भाई मतलब कि क्या बताए, मतलब जो दिल्ली से बिहार जो छठ पूजा हम लोग आते हैं ना वैसा भीड़ मचा के रखा है यार लोगों ने, मतलब और यहाँ तो अब लास्ट स्टेशन पहुँचने वाले हैं तो यहाँ भाई पटरी लोग भाई जाम कर दिए हैं, जैसे लग रहा है भाई धरना प्रदर्शन हो गया हो। ये देखो आप लोग खुद सामने देखिए भाई क्या क्या हो रहा है, देखो ये यहाँ पहला तो यहाँ पे हो रहा है, दूसरा जो क्रॉसिंग है ना वहाँ पे, मतलब दो दो जगह जाम करके ट्रैक को रखा गया है, और जी यही जो क्रॉसिंग है ना इसी को जाम किया गया था, देखिए आप लोग भाई साहब चलो भाई क्या बताएं, अब हमारा लास्ट स्टॉपेज आ चुका है अपना खुटौना रेलवे स्टेशन, और भाई अंदर का माहौल तो आप लोग ने देख ही लिया भाई, कैसा क्या चल रहा है इनॉग्रल जर्नी में, सारी चीजें आपको मैं दिखा दिया भाई। जो खुटौना में हमारी ट्रेन अराइव्ड कर रही है खुटौना रेलवे स्टेशन,
देख लो भाई, ये तरीका है लोगों का ट्रेन में बैठने का, चढ़ने का और खड़े होने का। भाई ये है हमारा लास्ट स्टॉपेज, यानी कि इस जर्नी का खुटौना रेलवे स्टेशन। इसके बाद हमारा फाइनल डेस्टिनेशन आएगा। और यहाँ देख लो भाई क्या क्रेज है। भाई आपने भीड़ भाड़ तो देखी ली यार खुटौना रेलवे स्टेशन की, मतलब समझ नहीं आ रहा यार लोग क्या इतना देखने आ रहे हैं। भाई एक सिंगल पीस ऑफ ट्रेन ही तो है और कुछ थोड़ी है। और भाई आ भी रहे हैं तो थोड़े तहजीब में आएंगे तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। भाई यार इतना शोर कर रहे हैं ना, मतलब बेकार हो गया भाई पूरा इनॉग्रल, कुछ मजा नहीं आया इस इनॉग्रल जर्नी में। और शोर देख रहे हो ना, शोर इतना हो रहा है, भीड़ इतनी है, क्या बताया जाए पूरे स्टेशन का भाई यही माहौल है। भाई खुटौना में ये कुछ मिल रहा था, इसका क्या नाम है पता है? क्या नाम भैया इसका? क्या नाम है? धामधर खाजा नाम है भैया। धामधर खाजा, वाह भाई, ट्राई कर लेते हैं कैसा है ये। भाई मीठा मीठा लग रहा है बस ये पता है, बाकी थोड़ा क्रंची भी है। खुटौना की भीड़ तो देख ही रहो आप लोग भाई, समझ नहीं आ रहा क्या बनाए क्या नहीं बनाए। और दोस्तों गेट देखिए आप एक बार, गेट भाई पूरा पैक हो चुका है, अंदर हम कैसे जाएंगे भाई अब ये भी नहीं समझ में आ रहा है। सब गेट का भाई वही हाल है, ये गेट का भी भाई वही हाल है, देख लीजिए यहाँ का भी वही हाल है। समझ नहीं आ रहा है यार क्या हो गया क्या नहीं हो गया है। गाड़ी डिपार्चर भी होने वाली है और इसके बाद हमारा फाइनल हॉल्ट आएगा अपना लोकहा बाजार रेलवे स्टेशन। पहुंच चुके हैं लोकहा बाजार रेलवे स्टेशन अपने फाइनल डेस्टिनेशन। बाकी देखो सभी पैसेंजर सभी लोग उतर रहे हैं, मजा आया कल जी एक नंबर। हाँ देखो सभी लोग भाई धीरे धीरे उतर रहे हैं, ट्रेन पूरी खाली हो रही है और बाहर भीड़ है। फाइनली पहुंच चुके अपने फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि लोकहा बाजार रेलवे स्टेशन। और भाई साहब इनॉग्रल जर्नी में तो काफी मजा आया, और ये भाई साहब 7 साल बाद ट्रेन चली थी ना तो काफी अच्छा भी लग रहा था, एक्साइटमेंट भी थी और इधर के लोगों के लिए ना काफी अच्छी कनेक्टिविटी हो गई। लेकिन जो ट्रेन का माहौल था ना, जो कुछ बंदे चढ़े थे ना उनके वजह से भाई पूरा मतलब बेकार हो गया था, मतलब इतना शोर कर रहे थे भाई। एक तरह से हम समझते हैं कि भाई 7 साल बाद ट्रेन चली एक्साइटमेंट है, लेकिन भाई इतना नहीं होना चाहिए, मतलब पूरा शोर ही शोर। आप लोगों ने वीडियो में भाई खुद ही देखा होगा। बाकी ओवरऑल मिला के भाई जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, ट्रेन भी काफ़ी अच्छी है, बढ़िया ट्रेन अपनी चल रही थी डीजल लोकोमोटिव के साथ। बाकी आप लोगों को कैसा लगा ब्लॉग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे हम किसी नए धमाकेदार ब्लॉग में, और अभी फिलहाल हम लोग इसी ट्रेन से निकलेंगे झंझारपुर की तरफ। अभी हमारा लोको क्या कहता है ना उस साइड लग चुका है, तो अभी हम लोग झंझारपुर फिर इसी ट्रेन से जाएंगे, क्योंकि भाई एक ही ट्रेन ही है लोकहा बाजार से झंझारपुर के लिए। बाकी फिर मिलेंगे किसी नए धमाकेदार ब्लॉग में, तब तक के भाई इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आप लोग भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा इनॉग्रल स्पेशल का। बाकी चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए भाई टाटा टेक केयर, बाय बाय फ्रॉम लोकहा बाजार रेलवे स्टेशन।